मुकाम पर खुशामदीद। पाकिस्तान कोरिया से हज़ारों किलोमीटर दूर एक मुल्क है। इस मुल्क का यूआन चर्च से क्या ताल्लुक़ है? जिस तरह कोरियन ज़बान में कहा जाता है कि सड़क पर चलते हुए सिर्फ अपने कपड़े के पास से गुजरना किस्मत की बात नहीं, यूआन चर्च से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वजह सादा है, सिर्फ यसु मसीह जो शुरू से आखिर तक इस खालस इंजील की रहनुमाई करता है, क्योंकि वो गिरजा घर में काम कर रहा है। वो योवान चर्च से जैसे यसु जानता है, सबूत रूहें, अंजीली बशारत और मिशनों की निजात पर मबनी है। 1987 में कोरिया के शहर साउल के यंगचंगू मुक्तंगे से ये शुरू हुआ। 30 सालों से मोमनों के रूहानी खून और पसीने के साथ बनाया गया था, और ख़ास तौर पर सीनियर पादरी चंगनजू 30 सालों से अंजीली बशारत, मिशनरी काम और मिशनों की बसारत मिशन में भरपूर तरीके से चल रहे हैं। यूएन चर्च 5 कम्युनिटीज़ बनाकर यसु के कलाम से आलमी अंजीली बशारत के मिशन को अंजाम दे रहा है। माजी में बेशुमार मुश्किलात के दौरान 10,000 मोमनों सिर्फ अगली नस्ल यानी आने वाली नस्लों और दुनिया भर के 247 ममालिक की खिदमत कर सकते हैं। हम अपनी लगन और 5,000 कबाइल की बशारत देने के अज़म के ज़रिए इस मकाम तक पहुँचे हैं। जहरे ज़मीन 6 मंजिलें और बाकी मंदा सकाफ़ती मरकज़ और ज़मीन के ऊपर 14 मंजिलें मौजूद हैं, और 6वीं मंजिल विजन सेंटर के तौर पर जानी जाती है। सबसे पहली इमारत कॉन्वेंट हॉल है। हर हफ्ते इबादत की खिदमत जो अफराद, खानदानों और इलाकों और शोबा को इकट्ठा करते हैं और खूबसूरती से अंजाम देते हैं। दूसरा 6 मंजिलों पर मुश्तरक है, सकाफ़ती मरकज़ और 14 फ्लोर पर मुश्तकिल है, जहाँ अहदे हॉल और यूनिवर्सिटी के तमाम शोबाजात का मरकज़ी टावर मौजूद है और आने वाली नस्लों के प्रोग्राम को सरंजाम देते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, जिसके पास वक्त की रहनुमाई के लिए रूहानियत और महारत होगी। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर उम्र के लोगों के लिए हर तरह की मदद मौजूद है, और चर्च से हर तरह की मदद इनके लिए मजबूत पाबंद है। तीसरा विजन सेंटर अगली शफायाबी और बाइबल की फलाह व बहबूद का एक प्लेटफार्म मरकज़ है, जहां कोरिया में मौजूद लोगों के लिए पूरी मदद की जाती है। इसमें 4 खसूसी गिरजा घर हैं, जहां के खसूसी चर्च की कम्युनिटी की तख्त बनाए गए हैं, जो पसमंदा रूहों के लिए बनाए गए हैं। हम लफ्ज़ी तौर पर 7 शोबाओं में खसूसी काम सर अंजाम दे रही हैं जो जिस्मानी दर्द की वजह से पसमंदा हैं। इस कम्युनिटी के तहत वस्ती और जनूबी अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, जापान, ग्रेट चाइना और मंगोल में 6 ज़बानों की इबादत के शोबे हैं, जो अक्सर ग्रोहों को अपनी अकीदत की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म फराहम करते हैं, ताकि दुनिया भर के लोग ज़्यादा इज़्ज़त पाएँ, इंसानी दोस्त बनाएँ और भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। ज़िंदगी की एक कम्युनिटी के तौर पर मुतहाद कम्युनिटी, खानदान और लोगों के तौर पर पूरी दुनिया में तामीर हो रही है। यूनिवर्ल्ड एक समाजी बहबूद कारपोरेशन जो मुख्तलिफ पसमंदा तबकों के लिए मुख्तलिफ फलाजी बहबूद और मनसूबे चलाती है। यूनिवर्ल्ड इंटरनेशनल मिशनरी काम के लिए एक NGO अंजील के फैलाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। योवन चर्च इस सरजमीन के तमाम लोगों के लिए एक मजबूत सहारा है। मिशन कम्युनिटी जो के 5,247 कबाइल के साथ आलमी अंजीली बशारत के लिए तैयार किया गया है। इस वक्त दुनिया भर के 15 ममालिक में 39 मिशनरी अंजील को फैला रहे हैं। ये हफरा तफरी का दौर है जिसके बारे में बाइबल कहती है। ये ऐसा मुस्तकबिल फरहम कर रहा है जिसमें लोगों की रूहें आज़ाद नहीं हो सकती। ये एक वाज़ह हकीकत है कि मसीहियों के साथ इसकी हमदर्दी का इज़हार कर सकें, और ये कोरिया और पाकिस्तान के लिए कोई मुनफरिद मसाइल नहीं है। लिहाजा हम वो कारकुन हैं जिन्होंने अंजील में एक रूहानी इत्तेहाद कायम किया है, और मज़ीद इसमें काम करेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम अक़वाम और अक़वाम में आलमी बशारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। पूरी क़ौम और 247 दुनिया में अंजीली बशारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। युवान चर्च के जरिए आपकी ज़िंदगी और आपकी रूह को ज़्यादा हकीकत पसंदाना और ठोस फसाइल मिलेंगे। चलो साथ चलिए। 안녕하세요, 파키스탄 여러분. 예수는 그리스도 모든 문제 해결자입니다. 예수 머시 더만 마사이카하이. 지금 바로 더 은혜로운 정보와 콘텐츠가 궁금하시면 이곳으로 들어오세요.